सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रोशन गेमर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम फिर से खेल रहे हैं वही पिछला वाला गेम। सो ये वीडियो भी होने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसको भी एंड तक देखना। सो इस वीडियो में हमने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था गेम को। सो फिर से हम ट्राई कर रहे हैं क्लासिक अमेरिकन मसल्स कार्स 2। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने में, इनमें हम दो कार को कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर देखिए अपने पास काफ़ी तगड़ी तगड़ी कार्स है यहाँ पर। सो इसमें काफ़ी सारी कार का ऑप्शन हमें मिलता है, लेकिन हम इनमें से सिर्फ दो कार को कंपेरिजन करेंगे। सो पिछले वीडियो में हमने उस कार को टेस्ट किया था जो कि बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल कार थी और उसकी स्पीड वगैरह काफ़ी सही थी और स्पेशल इफेक्ट उसका बिल्कुल ही यूनिक था, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। टायर ही गायब हो जाते लेकिन फिर भी चलती। सो यहाँ पर देखिए इसका एक स्पेशल इफेक्ट है, ये देखिए इसकी लंबाई और भी बढ़ गई, मतलब ये फिर से आगे से और भी एक्सटेंड होगी। सो इनमें से हम दोनों को कंपेरिजन करेंगे कौन सी बेस्ट है। सो यहाँ पर मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, पिछली वाली। सो इसको हम टेस्ट करें, इनको देखें ये बेस्ट है या फिर वो। सो कंपेरिजन पूरा होने वाला है। सो वीडियो को आप देखना एंड तक। सो इस वीडियो पर लाइक एम कुछ नहीं है, बस आप अपने हिसाब से करवा देना जितना हो सके। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अभी मैं इसको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। लुक मैंने थोड़ी और चेंज की, इसकी थोड़ी डार्क थी, थोड़ी और लाइट इसकी इफेक्ट मैंने कर दिया। सो यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर टायर गायब होने वाला। सो यहाँ पर अभी हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और स्पीड आप देख सकते हो लेफ्ट टॉप साइड में, आप वहाँ पर देख सकते हो सेकंड गियर में अभी चल रही है 80 की स्पीड पर। सो काफ़ी ठीक है अभी तक तो, काफ़ी सही चल रही है वैसे। और इसकी स्पेशल एबिलिटी को चलाकर भी हम टेस्ट करें, मतलब कि कितनी ज़्यादा हद तक ये कुछ इफेक्ट करती है नहीं। सो वो भी टेस्ट करेंगे, ये स्पेशल इफेक्ट है, ये इफेक्ट मतलब इस पर कुछ असर करता है नहीं इसको ऑन करने के बाद। सो यहाँ पर देखिए अभी फिफ्थ गियर में 185 तक ये टच कर गई, तो काफ़ी सही है अभी तक स्पीड। और अभी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट रोड है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गड्ढे वड्ढे। सो 190 ओके 190 तक अभी चल रही है, तो फिफ्थ गियर में भी 190 टच करी, इतना ज़्यादा लंबे सफ़र तक आ गए हम, फिर भी 190 ओके। और भी कम होती जा रही 177, सॉरी मतलब पिछले वीडियो में हमने इसके तारीखों को पुल बांध दी, तो और यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है अपना। सो कोई नहीं गई, सभी यहाँ पर अपनी 177 मतलब 190 मैक्स स्पीड टच कर गए थे, तो इसको हम मान सकते हैं 195। सो फिर से हमें स्टार्ट करना हुआ यहाँ पर रिपेयर विपेयर करके, तो इसकी मैक्स स्पीड आपने देख लिया 195 को टच कर गई थी, लेकिन यहाँ पर अपना हो चुका एक्सीडेंट, उसकी वजह से फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा। लेकिन कैसे अपनी स्पीड टेस्ट हो चुके, भी स्पेशल इफेक्ट को टेस्ट करते हैं, मतलब कि ये कितना ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है, मतलब इसको ऑन करने के बाद कुछ मतलब स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है नहीं, ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो अभी फोर्थ गियर में अभी आप देख सकते हो 145 की स्पीड पर चल रहा है ओके। सो ये भी ठीक चल रही है वैसे, और आई थिंक कुछ इफेक्ट हो रहा है इसको, आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल रोड आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन 160-170 तक आई थिंक टच कर जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी टच नहीं कर रही है, मतलब कि स्पेशल इफेक्ट ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ स्पीड में थोड़ा सा स्लो आ सकती है यहाँ पर। सो हमने मतलब नॉर्मल टेस्ट कर रहे थे, 195 को टच कर गई थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कितने टाइम से हम यहाँ पर स्पीड बटन दबा रखा है, लेकिन फिर भी ये 130 या 140, मतलब कि इसको ऑन करने के बाद हम 160 को बोल सकते हैं, मतलब 160 तक ये चली जाएगी स्पेशल इफेक्ट को ऑन करने के बाद। सो यहाँ पर ये फुल डिटेल कंपेरिजन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल इफेक्ट को ऑन किया तो 160 को ये इसने टच कर लिया, और इसने नॉर्मल हमने इसको ड्राइव किया तो आपने देख लिया 195, मतलब 200 भी अगर मान ले तो ठीक है। सो 195 इसकी मैक्स स्पीड है। सो अभी इसकी कॉम्पिटिटर को लाते हैं यहाँ पर, और इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक कस्टमाइज कर लिया है, तो किधर गई, तो पहले उसको ले लेते हम यहाँ पर। और ये देखिए भाई कितनी मतलब बिल्कुल गोल्डन लुक लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी तगड़ी है। सो ये क्या उसको डिफिट पक्का कर पाएगी, यहाँ पर इसका स्पेशल इफेक्ट भी आप देख सकते हो। सो दोनों स्पेशल इफेक्ट वाली गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो कंपेरिजन बिल्कुल ही मतलब सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया 1 करोड़, और यहाँ पर भाई साहब इसके लुक उससे काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई, मतलब उसका मतलब यूनिकनेस है स्पेशल इफेक्ट, लेकिन इसकी स्पेशल मतलब यूनिक इसका कलर, और ये कुछ ज्यादा ही फास्ट मेरे को लग रही है वैसे। और अभी मैंने और भाई साहब 200 को टच कर गई है यहाँ पर, देखते ही देखते फिफ्थ गियर में देखिए 270-90-300 को टच कर गई है, तो मतलब कि कितनी फास्ट है उससे कई ज़्यादा गुना, उसकी 2 गुना 3 गुना आप देख सकते 320 को भी टच करी हुई भाई साहब, इसका तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल है, पूछे ही मत। इसका कॉम्पिटिटर मतलब कुछ भी नहीं है, वो मतलब कि इसके आगे बिल्कुल ही मतलब कमज़ोर है। सो आप यहाँ पर क्लियर विनर आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी उड़ती उड़ती यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों में, हमने इसको मतलब कि 320 तक इसको टच कर लिया इसने, और बिल्कुल ही हम फास्ट चलाते थे आई थिंक 350 तो ये इजीली टच कर जाती। सो यहाँ पर हमने देख लिया इसको, ये काफ़ी बेस्ट कार है, मतलब उससे रेसिंग के मामले में देखी जाए तो ये नेक्स्ट लेवल है। सो यहाँ पर एक बार मैंने इसको रिपेयर कर दिया, और इसका एक बार ये इसको भी ऑफ करते
लेकिन ऐसा कुछ आई थिंक ऐसा कुछ सीन नहीं होना चाहिए कि इसको अप ऑन करने के बाद इसमें कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि उसके टायर्स गायब हो जाते थे इसलिए। लेकिन फिर भी एक बार हम टायर ट्राई कर लेते इसको ऑन करके। सो इसको भी ऑन करके मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको लुक इसको ऑन करने के बाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाती है। सो यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और ये देखिए 200 तो ऐसे टच कर जा रही है और 300 भी इजीली टच कर जाएगी। और हमने यहाँ पर डेजर्ट साइड चला दिया इसलिए सो 300 इसने भी टच कर लिया। सो यहाँ पर अपना क्लियर कंपैरिजन हो चुका है, मतलब कि सबसे बेस्ट यही अभी तक उन दोनों में से। सो यही था क्लियर विनर हो चुकी अपनी ये वाली कार, जो कि बिल्कुल ही मतलब स्पीड तगड़ी है लेकिन उसकी लुक बिल्कुल यूनिक थी, लेकिन फर्स्ट पर ये है ये अपनी। सो गाइस अभी हम कर लेते चैनल प्रमोशन शॉर्ट आउट। सो फर्स्ट कमेंट है तनुज चंद्रा, सेकंड है डी माइंड गेमर 2x एंड लास्ट थर्ड है मयूरेश गेमर। सो जाओ इनको सपोर्ट करो गाइस, तो सब्सक्राइब भी कर देना, सिर्फ वीडियो देख कर नहीं आना, मतलब सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो इनको फुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।